हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट टॉस का एसएससी और इंटरमीडिएट का कंप्लीट अपडेट बताऊंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहले तो जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस पे नहीं करे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस पे कर दीजिए। जो भी तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी से जो है अपना उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम या तेलुगु मीडियम से जो है अपना टेंथ क्लास का एसएससी दे रहे हैं या इंटरमीडिएट दे रहे हैं तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम से, 12th फरवरी से ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हो गया है। 12th फरवरी 2024 से लेके 4th मार्च 2024 तक आप लोग अपना बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस पे कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट जो है 200 रुपीस रहेगी एसएससी के एग्ज़ाम्स की और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम्स की। पर सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज को 200 रहेगी और जो मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एचईसी, एमईसी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है 250-300 रहेगी। प्रैक्टिकल की फ़ीस जो है वो 350 भी रहेगी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस ज़रूर पे कर दीजिए, ठीक है। आप अपना ऑनलाइन भी फीस पेमेंट कर सकते हैं एडमिशन नंबर टाइप करके, या आपके जो भी जहां पे भी आप एडमिशन लिए उनको भी फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी आप फीस दे के जो है उनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे, सर हमारा तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी का बोर्ड एग्ज़ाम कब आएगा, टॉस, एसएससी और इंटरमीडिएट का। काफ़ी स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे कि जो है अभी तक अपडेट नहीं आई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अपडेट आ गई है। आप लोगों का जो शेड्यूल होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम टाइम टेबल जो आने वाला है, वो 26th अप्रैल 2024 से जो है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स रहेंगे एसएससी और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग बिल्कुल जो है तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए। समय बहुत कम है, ओनली जो है आज फरवरी की 14th तो है, लेकिन इसके 15 डेज है। आपको मार्च का कंप्लीट मंथ है और अप्रैल का जो है कंप्लीट मंथ है, तो मतलब 26th अप्रैल मतलब वही वन मंथ अप्रैल का भी मिल रहा है आपको। तो टू एंड हाफ मंथ्स आपके पास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपना टाइम जो है वर्किंग में लगाइए, लर्निंग में लगाइए, बहुत ज़रूरी है। फिर आपको जो है लर्निंग कंप्लीट हो गया बाद मेमोराइज करने के लिए भी टाइम देना होता है, फिर उसके बाद आपको टेस्ट लिखने भी टाइम देना होता है। तो सभी टॉस के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज़रूर जो है लर्निंग में टाइम लगाइए। जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, जो गेस्ट पेपर होता है 2024 का, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है यूट्यूब के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द, वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। उस तमाम वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर ज़रूर करिए, दूसरे टॉस के स्टूडेंट्स को भी ज़रूर हेल्प करिए, ज़रूर उनको भी सपोर्ट करिए। अगर कोई स्टूडेंट्स अभी जल्दी जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहे तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अगर टाइम मिला तो बराबर जो है आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कोई भी आपका डाउट है नीचे कमेंट कर आपको बताना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद करते रहिए, लर्निंग ज़रूर करिए। 26th अप्रैल 2024 से आप लोगों के जो है 25th और 26th अप्रैल से एग्ज़ाम्स रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, अप्रैल से लेके मई तक रहेंगे, मई की 5-6 ऐसा रहेंगे, फिर उसके बाद मई के महीने में ही आप लोगों के कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स रहेंगे। जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं टॉस के, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स मई में रहेंगे। तो मई का जो 15, 16, 20 तक रहेगा वो पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, उसके बाद आप लोगों को हॉलीडेज मिल जाएंगे। आप लोगों को टॉस के स्टूडेंट्स को रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, वन एंड हाफ मंथ या वन मंथ के अंदर आप लोगों का टॉस का रिजल्ट भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी दिखी होगी, इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर जरूर करिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।